हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कोडिंग के आगे, उसी के आगे जहां पर पिछली क्लास क्या हुई थी, समाप्त हुई थी। आज की जो क्लास है इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद जो आने वाली है वो भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कोडिंग से जितने भी पॉइंट संबंधित हैं सभी क्या हैं, इम्पॉर्टेंट ही हैं। और आप जानते हैं कि कोडिंग से प्रत्येक एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छी तरीके से आप लोग क्या करते हैं, आप अच्छी तरीके से इस बातों से क्या हैं, अवगत हैं स्वयं। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग। लेकिन आज का जो कोडिंग का प्रोसेस है, आज का इम्पॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग कुछ नए बिंदु क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जानने के लिए। ओके, चलिए हम लोग अगला पॉइंट, आप लोग पॉइंट अपने से क्या करिएगा, लिखते हुए आगे चलिएगा, क्योंकि हम कोडिंग को क्या किए हैं, जो पॉइंट है उसको क्या किया हूँ, मैं भूल गया हूँ कौन सा पॉइंट है या कौन सा पॉइंट का टॉपिक है। टॉपिक तो मुझे याद है लेकिन पॉइंट कौन सा ये नहीं मालूम, आप लोग लिखते चलिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसी कोडिंग के अंतर्गत है, बिंदु है जो वो इसी कोडिंग के अंतर्गत ही आता है। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग लिखते हैं कोडिंग एंड डीकोडिंग। ओके, डीकोडिंग। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आज का जो तथ्य है, आज का तथ्य है मेरा संख्याओं का अंतर कोड बनाना। क्या संख्याओं को घटाकर, उचित रहेगा ओके, घटाकर कोड बनाना। ओके, ये देखिए पॉइंट है, और इसके अंतर्गत आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि मान लीजिए कि कोई भी प्रश्न रहेगा, मैं इसको ऐसा नियम बताऊंगा कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर पहला तथ्य देखा जाए तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोड है जो है इस प्रकार है, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर का कोड है दोस्तों DJMUCP। ओके, तो ऑरेंज का कोड क्या होगा, क्या ऑरेंज का कोड क्या होगा, ओके, इसका कोड पूछ रहा है। तो हम लोग इसका कोड करते हैं, देखते हैं ये प्रोसेस इसमें क्या हुआ है। तो आप जानते हैं F का क्या होता है कोड 6, L का क्या होता है 12, क्या बात, और O का कितना होता है 15, W का क्या होता है आप जानते हैं कि 23 होता है, और E 5, ये क्या 18, ओके 5, 10, 13, 21, 3 और 16, ओके इतना प्रोसेस है। और नीचे वाला भी कोट कर लेते हैं जिससे कि ये क्या हो जाए, आसानी हो जाए, 15, 18, 1, 14, 7, ओके ये हो गया, और ये क्या है 5 नंबर। ओके, तो इसमें प्रोसेस क्या किया गया है दोस्तों, तो इसमें आप आसानी से पकड़ सकते हैं, इसमें आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसमें निरंतर वाइज क्या किया गया है, कोड किया गया है, क्या कोड किया गया है दोस्तों। तो इसमें यदि देखा जाए ये जो प्रोसेस है, इसमें यदि हम लोग यफ के स्थान पर क्या ये यफ ही रहेगा, ये कोड आपका क्या हुआ है, गलत हुआ है, ये 4 है। ओके, इसमें कितना घटाया गया है, तो -2 क्या किया गया, घटाया गया, 6 में से 2 गए 4, फिर उसके बाद 12 में से 2 गए 10, 15 में से 2 गए कितना होगा 13, 23 में से 2 गए 21 होगा, और ये हो जाएगा 5 में से 2 गए
तीन आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 में से माइनस 2 गया, कितना होगा 16 हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस आप अच्छी तरीके से अभी इसको समझ गए कि ये क्या होगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 यानी 15 में से 3 गया कितना होगा दोस्तों 13 हो जाएगा, इसमें से माइनस 2 गया 16 हो जाएगा, इसमें से माइनस 2 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों। यदि आप इसमें गौर करें तो इसमें प्रोसेस जो है, इसमें जो है ए वाला जो प्रोसेस है, ए में मान लीजिए कि ए जो है हम 26 में घटाएंगे, क्या 2 घटाएंगे, लेकिन 26 में 2 घटाने से पहले तो 1 तो है। यदि हम यही इस प्रकार होता तो आप क्या कहते हैं, ये माइनस 1 आएगा, माइनस 1 आया तो इसमें अभी घटेगा, ये तो पहले 1 में तो घटेगा, ये 1 में से पहले 2 में से 1 घटेगा तो माइनस 1 आएगा, तो वही माइनस 1 इसमें घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा, क्या 25 आ जाएगा। आई बात गई समझ में, 25 हो गया। और इसमें भी क्या करिए, माइनस कर दीजिए 2, तो जब इसमें माइनस 2 होगा क्या होगा 12 आ जाएगा, और इसमें भी माइनस 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी माइनस 2 होगा तो 5 आ जाएगा, इतनी बात क्लियर। और यहाँ से 2 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। तो आप इसका कोड अच्छी तरीके से जानते हैं कि 13 का कोड क्या होगा यम होगा, 16 का कोड क्या होगा पी होगा, 25 का कोड क्या होगा वाई होगा, और ये 12 का कोड यल होगा, ये क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो मेरा आ गया जो कोड है यम पी वाई यल सी ई, सॉरी ई सी, तो ये मेरा प्रोसेस है क्या, ये प्रश्न। लेकिन इस पर अभी मैं और प्रश्न को डिस्कस करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ओके, तो यदि इसी पर चला जाए, एक प्रश्न और देख लिया जाए, ओके रब किया जाए। तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो अगला प्रश्न है ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो कोड है यम ओ यल, क्या यम ओ यल ए आर जेड क्यू, ओके जेड क्यू, और यहाँ इंडियन का हो जाएगा इसका कोड क्या होगा, तुमको बताना है क्या प्रोसेस हुआ है। इसको कोड किया जाए दोस्तों 16, 18, 15, 4, 21, 3, 20, ओके इतनी बात क्लियर। और ये 13, 15, ये हो जाएगा मेरा 12, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 18, ये 26, ये क्या 17, ये मेरा कोड है। ओके, और इसका भी कोड कर देते हैं 9, ये क्या हो जाएगा 14, 4, 9, 1, 14, इतना हो जाएगा दोस्तों। यदि ये प्रोसेस जो है, यदि आपका ये कोड हो गया तो आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोड हो गया दोस्तों तो आप आसानी से प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बेझिझक बेपरवाह होकर के आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें सेम प्रोसेस जैसे अभी पिछला हुआ, तो वहाँ 2 माइनस किया गया था, बस यहाँ क्या किया जाएगा माइनस 3 किया जाएगा, माइनस 3 किया जाएगा बस हो गया, और कुछ नहीं होगा इसमें। माइनस 3 यहाँ पर भी माइनस 3 होगा, राइट, यहाँ पर भी माइनस 3 और यहाँ पर भी माइनस 3 ही होगा। जब माइनस 3 होगा तो 0, 0 का अर्थ क्या होता है जेड, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देख रहे हैं
ये माइनस थ्री, ओके। तो इसका सेम प्रोसेस है, कोड तीन गया नौ में से क्या होगा छः आएगा, छः के स्थान पे एफ होता है राइट, इसमें से तीन जाएगा क्या होगा चौदह में से तीन गया क्या होगा दोस्तों ग्यारह, ग्यारह आप अच्छे तरीके से जानते हैं के होता है राइट, ग्यारह के होता है ओके। इसमें से क्या होगा माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री, तो यहाँ से माइनस थ्री होगा तो वन, वन के स्थान पे आप जाहिर सी बात है जानते ही होंगे, इसमें से थ्री जाएगा तो क्या होगा सिक्स, सिक्स आप जानते हैं एफ होगा, और यहाँ पर माइनस जाएगा तो क्या होगा दोस्तों माइनस थ्री, तो यहाँ एक माइनस हो गया माइनस टू बचा, माइनस टू बचा छब्बीस में क्या करिए माइनस टू कर दीजिए तो ये चौबीस आ जाएगा, चौबीस आप जानते हैं क्या होता है अच्छे तरीके से यक्स होता है राइट, यक्स हो गया, और यहाँ इसमें से माइनस थ्री जाएगा तो क्या होगा इलेवन, इलेवन आप जानते हैं कि के होता है। तो ये मेरा कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको जानना है, यफ मेरा आ गया के मेरा आ गया ए आ गया यफ आ गया यक्स आ गया के आ गया ये मेरा क्या हो गया आंसर, लेकिन इससे पहले आपको कुछ मैं दे देता हूँ आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा उसमें से भी बताइएगा ओके। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ इस प्रकार लिखिए एस ई एन टी आई एम ई एन टी, ये है मेरा जो है सेंटीमेंट, क्या सेंटीमेंट का कोड क्या है हम लिखते हैं एन जेड आई ओ, ये कोड है मेरा ओके, और किसका केड कोड बनाना है रेजुलेशन का, क्या रेजुलेशन आर ई एस ओ एल यू टी आई ओ एन, रेजुलेशन का हमको कोड क्या करना है बनाना है आप लोग बनाइएगा। अगला प्रश्न है जो ऑर्गेनिक, क्या ऑर्गेनिक इसको अलग कलर से लिखते हैं, ऑर्गेनिक कोड है आई एल ए यू एच सी डब्ल्यू ओके, ये है तो मेरा फार्मिंग एफ ए आर एम आई एन जी फार्मिंग, फार्मिंग का क्या होगा कोड इसको भी आप लोग करिएगा, एक और लिख लीजिएगा क्लस्टर, क्या क्लस्टर सी एल यू एस टी ई आर क्लस्टर, क्लस्टर का क्या होगा यू डी एम के एल डब्ल्यू, ये है और एसेंट्रिक का कोड क्या होगा एसेंट्रिक एसेंट्रिक का कोड क्या होगा ओके। तो ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ये तीन पॉइंटों का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो हाँ इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है ओके। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट है अगला पॉइंट एक मैं प्रश्न कराऊंगा, एक प्रश्न से सभी हो जाएंगे, बस आपको कुछ विपरीत अक्षरों का मान याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए पहली हेडिंग आप इसमें डालिए देखिए विपरीत वर्ण में, क्या विपरीत वर्ण में कोड करना, क्या कोड करना विपरीत क्रम में या वर्णमाला में कोड करना
विपरीत क्रम, विपरीत वर्णमाला में कोड करना। ओके, तो यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए, क्या आप लोग ये याद करिएगा कि ए का विपरीत क्या होता है, क्या ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। ओके, बी का विपरीत क्या होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वाई। सी का विपरीत क्या होता है, यक्स होता है। डी का विपरीत क्या होता है, डब्लू होता है। ई का विपरीत क्या होता है, वी होता है। यफ का विपरीत क्या होता है, वी होता है। यू होता है, सॉरी, क्या यू, यहाँ चेंज कर देते हैं मार्कर जिससे कि समझ में आ जाए अच्छे से। यफ के बाद क्या आएगा, जी। जी का कोड क्या होता है दोस्तों, टी होता है। और यच का कोड क्या होगा, यच का कोड यस होगा। एच के बाद क्या होगा, आई। आई का कोड क्या होता है, आर होता है। जे का कोड क्या होता है, क्यू हो जाएगा। के का कोड क्या होगा, पी हो जाएगा। यल का कोड क्या होता है, यल का कोड मेरा हो जाएगा ओ। और यम का कोड क्या हो जाएगा, यल। ओके, ये कोड आपको याद करना है। ओके, लेकिन इसमें एक विशेषता है, इसमें क्या है, एक विशेषता है। विशेषता ये है कि चाहे जो भी मान हो, लेकिन इसको पहले आप नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 2 26 अक्षर होते हैं। तो ये जब 1 हो गया तो ये जाहिर सी बात है 26 होगा, 25 होगा, 24 होगा, 23 होगा, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 और 15 और ये 14। इसमें विशेषता ये है दोस्तों, दो अक्षरों का जो कोड होगा वो सदैव योग हमेशा 27 के बराबर होगा। योग हमेशा किसके बराबर होगा, 27 के बराबर होगा। किसके, 27 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, योग जो है 27 के बराबर होगा। इसका योग 13 और 14 कितना होगा दोस्तों, 27 ही होगा। 12 और 15 कितना होगा, 27 ही होगा। क्यों, योग 27 ही आ रहा है ना। और उसी प्रकार ये हो जाएगा, ये और ये 27 ही होगा। ऊपर से भी देख लेते हैं, इसका योग 27, इसका योग 27 और इसका योग 27, आप ये देख सकते हैं। तो इसी पर एक प्रश्न लिख लेते हैं और सभी प्रश्नों को मैं दे देता हूं जो प्रश्न है मेरे पास सेट में। अब मान लीजिए रेंडम, क्या रेंडम, रेंडम का कोड आई जेड यम डब्लू एल डब्लू। तो आप यहां पर ये कोड स्वयं आपको आना चाहिए, कोड आपको स्वयं आना चाहिए। और यहां पर कोडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं कि आर मेरा 18 पर है, ए 1 पर है, एन 14 पर है, डी 4 पर है, ओ 15 पर है, यम क्या है 13 पर है। ये कोड करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसका कोड क्या होगा, क्या, ताबिल, ताबिल। तो इसका कोड क्या होगा, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आर का कोड क्या होता है, टी। ए का कोड जेड होता है। एन का कोड क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, यम होता है। यदि मान लीजिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार देख लीजिए, इसका कोड कर दीजिए, क्या करिए, कोड कर दीजिए 18 1 14 4 15 13 9 26 13। ये क्या होगा, W कितने स्थान पर होगा दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है, 23 23 सॉरी 23 12 23। ओके, ये 20 1 2 12 12 जिसको बोलते हैं, ये 5। तो इसमें देखिए ये प्रोसेस। ओके, तो ये यदि यहाँ पर जो अक्षर है आपको नहीं मालूम है, तो ये मान आप क्या करिए, 27 में घटा दीजिए। क्या 27 में घटाएंगे, तो आप जानते हैं जाहिर सी बात है कि इसमें क्या निकल के आएगा, 9 निकल कर के आएगा। केस केस लिए 27 में से यदि 18 जाएगा 9, तो यहाँ 9 आ गया। उसी प्रकार ये जो 1 है, 1
माइनस कर दीजिए 27 में, क्या आ जाए 26, 14, 14 उसी प्रकार क्या करिए 27 में 14 माइनस कर दीजिए, 7 में से 4 गए 3, 2 में से 1 गए 1, 13 मेरा आ गया। सेम प्रोसेस इसका भी कर सकते हैं, तो ये 26 में से यदि 20 गया तो क्या आएगा दोस्तों, आप जानते हैं क्या आएगा, सॉरी 27 में से 20 गए कितना होगा 7, ओके, यहाँ 26 और यहाँ क्या 25 और यहाँ क्या आएगा 27 में यदि 12 जाएगा तो 5, 1, 15 आ जाएगा राइट, और यहाँ क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, ओके, इतनी बात क्लियर। तो 27 सात का स्थान क्या होता है जी, जेड का स्थान पे, सॉरी 26 का स्थान जेड, फिर वाई, फिर ओ, फिर क्या वी, हो गया आंसर मेरा। तो ये विपरीत क्रम का अक्षर जो है आप डायरेक्टली क्या करिए 27 में क्या करिए माइनस करके रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। मैं कुछ प्रश्न दे दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा, उसको नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं उसको क्या करूँगा बता दूंगा, ओके। चलिए तो आपका प्रश्न है, इसका कोड क्या होगा, ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर, ऐसे भी दे सकता है सिर्फ सिंगल, तो आपको आर जान मालूम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि आर मेरा 18 होता है, तो 18 जो है प्रोसेस 27 में घटा करके लिख देना, बस हो गया मेरा, वही आंसर आ जाएगी। ये एग्जामिनर करता है, कर सकता नहीं, करता है, इस प्रकार के प्रश्न कई बार आ चुके हैं, ओके। तो इसको भी करिएगा, ओके, मैं ऐसे ही प्रश्न दे दे रहा हूँ, 4, 5, 6, इसका क्या कोड होगा, एस ई एल, एस ई एल ई ई, सॉरी ई सी टी आई ओ एन, इसका क्या होगा, इसको आप क्या करिए करिएगा, ओके। यदि कहीं भी किसी भी प्रकार कोई भी यदि आपको समस्या आ रही हो इन जैसे प्रश्नों में, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हमसे क्या करिए संपर्क करिए, कांटेक्ट करिए, यदि कहीं भी कोई भी हो रही हो तो समस्या, ओके। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन सर्वप्रथम प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास सर्वप्रथम मेरी नोटिफिकेशन पहुँचे, ओके दोस्तों। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट एडवांस में आपको।